शाम के 5:15 बज रहे हैं। इसके लिए मुझे कैमरा ऑन करना पड़ा है। टावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोकल लड़कियाँ घूम रही हैं रात को। अभी बुरुड़ी लेक से हम लोग निकल रहे हैं। ये देखो लेक, ये रहा। अब सीधे बेलपहाड़ी की ओर जाएंगे, लेकिन टाइम हो गया 4:45। रास्ते में अंधेरा हो जाएगा और मेरी गोप्रो की बैटरी भी हो गई ख़त्म। तो बैटरी ख़त्म हो गई, मतलब गोप्रो की मेमोरी जो है वो मेमोरी भी लगभग फुल होने को आया है। कैमरा मैं ऑफ कर दिया था, लेकिन इस ढलते सूरज को दिखाने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया। देखो पेड़ों के झुरमुटों के पीछे ये छुप गया और शाम हो चुकी है। एक सूरज की जो आभा है वो आप लोगों को दिख रही होगी। ये छागल गुलो जाच्छे। अच्छा एखान यहाँ से मैं बता दूँ, यहाँ से रास्ता हम लोगों का अलग अलग हो रहा है। ये दोनों अलग निकलेंगे इस रास्ते से, ऊपर वाले रास्ते से यहाँ से निकलेंगे हम लोग, इस रास्ते से उसे होते हुए निकलेंगे। तो चलो टाटा है। पूरे जंगल के बीच में हूँ, जंगल के बीच में से रास्ता है और रास्ता पूरा ऑफ रोड है। हम लोग जा रहे हैं बेल पहाड़ी। बेल पहाड़ी जिस होमस्टे को हम लोगों ने बुक किया है उस होमस्टे में जा रहे हैं। तो रास्ता यहाँ से है, गांव के बीच में से, और ऐसा रास्ता पहुंचे। জিজ্ঞেস করো তো মনে হচ্ছে ওই রাস্তাটা নাকি। শামকে 5:15 বাজ রে আর পুরো জঙ্গল কে বিচো বিচ মে সে মে যা রহা হুঁ। ইয়ে সামনে এক লোকাল বন্দা মিল গয়া, হাজবেন্ড ওয়াইফ, ইয়ে লোক ঝাঁটি ঝরনা যা রহে হ্যায়, তো ওয়াহাঁ সে বেল পাহাড়ি কা রাস্তা মিলেগা। তো মনে কাহা কি ভাইয়া চলিয়ে আপ লোগো কে সাথ মে চল লেতা হুঁ, হাম লোগ, ম্যাম নেই, হাম লোগ, তো ইনহি কে সাথ हम लोग जा रहे हैं। पीछे पीछे मेरे दोनों आ रहे हैं। रास्ता बहुत ही खराब है, अब जाके थोड़ा सा सही रास्ता मिला है। तो सूरज पूरा ढल चुका है, थोड़ी देर बाद ही अंधेरा हो जाएगा। तब सोच लो भाई किस तरीके से हम लोग जर्नी करते हैं। यहाँ पे दरअसल एक रास्ता थोड़ा नीचा था। किस तरीके से हम लोग जर्नी करते हैं देख लो। आप लोगों को लगता है यूट्यूबर और मोटो ब्लॉगर बहुत अच्छे रहते हैं, जी नहीं। मैं कैमरा ऑन नहीं करना चाहता था, लेकिन जो रास्ता है वो उसके लिए मुझे कैमरा ऑन करना पड़ा। देखो देख लो, अभी हम लोग पूरा देखो चारों तरफ अंधेरा है। तुम लाइट जलाओ तो गाड़ी का। देखो ये बिरसा मुंडा का मूर्ति है यहाँ पे। ये रोड मैं पिछले ब्लॉग में भी मतलब जब आया था बेलपहाड़ी वहाँ बताया था मैंने कि ये रोड घाटशिला की तरफ जाता है। तो हम लोग इधर से आ रहे हैं पूरे अंधेरे में, और ऑफ रोड किसको कहते हैं जिंदगी में। ये मैं बोल रहा हूँ तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। ये दोनों है बुलेट लेकर और ये NS 200 लेकर। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बेलपहाड़ी। चलिए, टावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, चलो आओ। नाइट ब्लॉग एक है, लेकिन गांव के लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इन्होंने मेरे को बताया कि रास्ता ऐसे ऐसे है, यहाँ तक कि औरतें भी हेल्प किया कि इधर से जाइए दादा। और एडवेंचर बोलते हैं ना, एडवेंचर किसको कहते हैं ये हम तीन लोगों के अलावा कोई नहीं समझ पाएगा। सबके सब बोलते हैं ना
तो चलो मैं रात के अंधेरे में आप लोगों को दिखा रहा हूँ दीतंग होम स्टे। देखो दीतंग होम स्टे ये है, देखो गांव वाले सब यहाँ खड़े हैं, इनसे पूछोगे कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे आपको। नेटवर्क एकदम नहीं है, एकदम नहीं है, फूटी कौड़ी नेटवर्क नहीं है। देख लो नेटवर्क की हालत देखो। हाँ देखो वाटर क्रॉसिंग था, अभी भी बता रहा है 22 किलोमीटर। ये कांकड़ा झोड़ है, कांकड़ा झोड़ आई थिंक ये महातो होम स्टे है। ये देखो तो एटा महातो होमस्टे होता है, महातो होमस्टे कांकड़ा झोड़ महातो होमस्टे जिटा ब्लॉगे देखो एटा, ये महातो होमस्टे कांकड़ा झोड़। हाँ हाँ ना 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 एटा हमारे ना हमारे एटा कांकड़ा झोड़, एटा कांकड़ा झोड़। चलो देखिए एगो ही তোমাকে দেখালাম, এটা কাঁকড়াঝোড় মাহাতো হোমস্টে দেখো তো, এইটা এইটা আমলোকে লিয়ে ইয়ে একদম আননোন জায়গা। लेकिन फिर भी चल रहे हैं। ये कोई होम स्टे है, खूबसूरत से सजा करके रखा है। हाँ केका बोन, আশিস ফোন করছে, আশিস ফোন করছে, দাঁড়াও। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ আসছি আসছি, আমরা ইয়ের কাছে আছি, কাঁকড়াঝোড়ের কাছে আছি। হ্যাঁ রাস্তাতে ওই বুরুডি লেক হয়ে আসছি তো। হ্যাঁ 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 আসছি আসছি, আমরা তিনজন আছি আসছি। হ্যাঁ শোনো না আশিস, বলছি তুমি এই এই মানে ওই যে বেলপাহাড়িতে যে মোড়ের মাথাটা যেখানটা তোমার এই কাঁকড়া ঝোড়ের যে রাস্তাটা ইয়ে হয়, আরে ওদলচুয়া থেকে গিয়ে তোমার যেখানটা ইয়ে হয়, হ্যাঁ ওই মোড়ের ওখানে দাঁড়াও। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে আসছি আমরা, ঠিক আছে ওকে। সোচো রাত মে রাইড কর রহে হ্যায়, ইয়ে 6:30 বাজনে যা রহা, 6:21। यार कीड़े बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। हेलमेट का वाइजर खुला हुआ है,
इसलिए कीड़े बहुत आ रहे हैं। अगर हेलमेट का वाइजर लगा दूँ तो अंधेरे में मैं देख नहीं पाऊंगा। संदीपन आगे निकला, चलो करीब करीब बेल पहाड़ी में पहुंच गया हूँ मैं। क्या हम लोग, सॉरी एक्चुअली क्या ना कि सोलो राइड कर करके मैं बोलता रहता हूँ, यहाँ पे तो सोलो राइड हो नहीं रहा है, दो बंदे और भी है मेरे साथ, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। बेल पहाड़ी करीब 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 क्या पहुँच ही गए और कुछ मिनट बेल पहाड़ी। वैसे भी रास्ता जाना पहचाना है, लेकिन क्या है ना कि दिन में थोड़ी आए हैं यार, सॉरी रात में थोड़ी आए हैं, और वो भी हम आए मेन रोड से, उधर से मतलब बेलपहाड़ी मोड़ से हम आए थे, ऐसे थोड़ी हम आए थे। अब आप लोग सोचते हो ना कि मोटरबाइकर जितने हैं कितना मस्त होता है, गाड़ी लेके घूमते रहते हैं। मस्त कैसे होता है ये बता दो आप मेरे को। ये देखो, इस जिंदगी को मस्त कहोगे? इसको मस्त कहोगे आप? रात के अंधेरे में कितना बजा? 18:37 यानी 6:30 बज गए। 6:30 बजे एकदम घुप अंधेरे में जंगल के बीच में से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, इसको क्या बोलोगे? बस गाड़ी चलाने का नशा है। चल रहे हैं, सुबह 11 बजे करीब निकले थे कैंप से, बांधुवन कैंप से, भालू कैंप से, और स्टिल नाउ चलाए जा रहा हूँ गाड़ी। सब लोग, आपने तो देखा ये कैसे ट्रेल में गए थे, जहाँ पर तो मतलब जिंदगी और मौत के बीच में था हम सब लोग। जरा सी चूक हुई नहीं कि बस गए काम से। ये रास्ता देख रहे हो, इस रास्ते से आप लोगों को पता चल रहा है बेल पहाड़ी पहुंच गए। एक जो कस्बे की टाउन की एक सौंधी, एक जो खुशबू होती है ना, एक जो चारों तरफ वातावरण में फैली रहती है, वो खुशबू मिल रही है। अभी तक तो जंगल की खुशबू मिल रही थी, जंगल के पेड़ पौधे के जो सौंधे खुशबू होते वो मिल रहे थे, अब ये खुशबू अलग खुशबू है। ये देखो, চিনতে পেরেছো? আগের পুজোতে এসেছিলাম না? হ্যাঁ, ভালো আছে বৌমা? এই তেরি, এই আবার আসলাম। হ্যাঁ, চা দেবে? দাও আমার লাল চা, তুমি তো জানোই আমিও আগের বারও লাল চা খেয়েছি। দাও, আমার সাথে আরো দুজনকে নিয়ে এসেছি এবারে।
ভালো করেছে বলছে। কোথায় গেল? হ্যালো, কোথায়? কি 1 কিলোমিটার? তুমি ওই মোড়ের মাথায় নেমে বাঁদিকে ঢুকবে, মোড়ের মাথায় নেমে বাঁদিকে ঢুকবে। আমি বাঁদিকে এসেই একটা চায়ের দোকান আছে, গতবারে সেই ব্লগে দেখেছিলেন না চায়ের দোকানটা, ওই চায়ের দোকানে আছি আমি। হ্যাঁ, বাবা, কি কি খবর? হ্যাঁ, চিনতে পেরেছো? হ্যাঁ, ও কেন হেলমেটটা তুই দেখেনি গতবারে? পৌঁছ গে ইয়া চায় কি দোকান মে, পিছলি ব্লগ মে আপনে জেসে দেখা থা চায় কি দোকান মে আকসার চায় পিতে থে, ইয়ে ওহি চায় কি দোকান হ্যায়। ওর আর অঞ্জলি হোম স্টে ও সামনে উধার হ্যায়, তো পৌঁছ গে হ্যায়। ফিলহাল ও লোক অভি পতা নেই কহাঁ। এট লাস্ট পৌঁছ গে অঞ্জলি ভবন হোম স্টে। সি দিস অঞ্জলি ভবন, অঞ্জলি ভবন হোম স্টে বেল পাহাড়ি। হম লোক রুম মিলা উপর মে, উপর কা কোই সা ভি রুম, ইয়াহ সে ইয়ে সিঁড়ি সে উপর যায়েঙ্গে, কোই সা ভি রুম লে লেঙ্গে। গাড়ি হম লোগোনে ওয়াহ খড়ি কর দিয়া, পার্ক কর দিয়া। রাত কো গেট বন্ধ রহেগা উধার, মেন গেট, ও পহলে ও গেট বন্ধ, গেট বনা নেই থা। তো চলিয়ে চলতে, থোড়ি দের বাদ মিলতে। ফিলহাল আজ কে ব্লগ কো ইহীঁ পে সমাপ্ত করতে, টু মাচ টায়ার্ড, ইয়ে ভি টায়ার্ড। মিলতে কাল এক ব্লগ মে।